गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एवरीवन, आई एम फाइन मैम। व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन। बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 5 खेल कविता की प्रश्न उत्तर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को कविता का भावार्थ याद हो गया है ना? कविता कविता का भावार्थ? यस मैम। यस मैम। अच्छा, चलिए बातों बातों में हम डिस्कस करते हैं। कब किस खेल द्वारा दिल बहलाने की बात कर रहे हैं? मैम मिट्टी से हम नए नए आकार बनाने की, खिलौने, मिट्टी के खिलौने बनाकर, है ना? मिट्टी के खिलौने का खेल, ठीक है? मिट्टी के खिलौने का खेल द्वारा दिल बहलाने की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, आपको कौन कौन से खेल पसंद है और क्यों? अभिनल आप बताएंगे। मैम मुझे क्रिकेट खेल पसंद है क्योंकि उसमें हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है उससे। आपको मैम? मुझे खो खो पसंद है क्योंकि उससे मैम उसमें दौड़ना रहता है और दौड़ने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। मिट्टी को बार बार गड़मड़ कर एक नया रूप देने के आधार पर कब किस भाव की ओर इशारा कर रहे हैं? यानी इस पंक्तियों से कवि का क्या भाव निकल रहा है कि मिट्टी को बार बार गड़मड़ कर एक नया रूप, यानी बिगाड़ कर उसको नया रूप दे। अरुण बता पाओगे बेटा? मैम क्या बातों बातों में कह रहे थे, डिस्कस हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3। मैम अभी अभी जुड़े हैं। मिट्टी को बार बार गड़मड़ कर एक नया रूप देने के आधार पर कब किस भाव की ओर इशारा कर रहे हैं? अभिनल बताओगे? अभिनल? यस मैम। बताइए बेटा। यस मैम बताइए। कवि इस भाव को मैम कब मिट्टी को गड़मड़ कर बार बार गड़मड़ कर एक नया रूप देने के आधार पर कवि भाव इस भाव हमें जात पाति के धर्म पे विश्वास नहीं करना चाहिए इस भाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी एकता के सूत्र में बनना चाहिए, जैसे मिट्टी के खिलौने की जात पात तोड़ दिया गया तो उनकी जात पात कुछ नहीं, अलग नहीं रह गई, सब फिर एक जैसे हो गए। ऐसे ही हमें किसी प्रकार के भेदभाव को भुलाकर एकता के सूत्र में बंधना चाहिए। किसमें कितना कौन छिपा है कौन बताए, इस पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य हो रहा है? महक मैम की दाढ़ी जब मिट्टी एक में हो गई तो किसमें क्या छुपा है क्या आप बता पाएंगे? जिससे हमने चोटी बनाई थी वो मिट्टी कौन सी है, और जिससे हमने दाढ़ी बनाई थी वह मिट्टी कौन सी है? यानी उन मिट्टियों के खिलौने में से एक बार फूट गई मिट्टी मिला दी गई तो फिर उसमें से कौन हिंदू खिलौना है कौन मुसलमान है, किसकी दाढ़ी थी किसकी चोटी थी, उनको मतलब भेदभाव कर पाना बहुत मुश्किल है ना? ऐसे ही हम भी एक ही मनुष्य हैं, सभी एक जैसे हैं। अगर हम भी एक ताकि सूत्र बन जाए तो हमें भी अलग कर पाना
मुश्किल है ना? यस मैम। इस कविता को अन्य शीर्षक दें, कोई शीर्षक आपके दिमाग में है? मैम मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने यादे मैम, जाति भाव मैम, जाति भाव मैम, जाति भाव, जात भाव नहीं होगा। हम एक हैं। प्रिया तुम बताइए क्या शीर्षक देना चाहोगे? मिट्टी के खिलौने। हाँ मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने। सिद्धार्थी आप सिद्धार्थी मिट्टी के खिलौने। अरुण आप बताइए कोई शीर्षक। मैं मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने से भी लोगों ने बताओगे, अलग अलग बताओ। मैं मैंने पहले बताया खेले खेल, खेल नाम ही है आओ खेले खेल, खिलौनों का खेल, मिट्टी के प्यादे है ना, हम सब एक हैं, ठीक है हम सब एक है, भाव ही दर्शा रहा है आपका कविता, क्यों बिरयान? यस मैम, यस मैम। चलिए आइए कलम की सवारी पे, कविता की पंक्तियां गड़बड़ हो गई है, उन्हें सही करके दोबारा लिखें। इसको तो सब लोग कर ले जाओगे? यस मैम, यस मैम। चलिए सही सामने सही चिन्ह लगाइए। इस कविता का नाम प्रतियोगिता है? नो मैम। नो मैम। इस कविता के कवि का क्या नाम, का नाम रिजा फाजली है? यस मैम, मैम सही no, है। यस सही ma'am. है। मैम सही है। कवि की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच नाम से प्रकाशित हो चुका है? यस मैम, यस मैम, हम सही है। निजा फाजली को 1899 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नो मैम, मैम नो मैम, मैम 1999 में मिला। 99। इस कविता में उन्होंने जातीय भेदभाव को मिटाने की बात की है? यस मैम, है ना? ये तो यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। भारत में ऐसे कई आंदोलन हुए हैं जिनमें लोगों ने अपने भेदभाव भुलाकर एकजुट होकर काम किया है, ऐसे किसी भी एक आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्र करके लिखें। संकेत दिया गया है स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम, भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उसकी जानकारी आपको यहाँ लिखना है, ठीक है? Yes, ma'am. दूसरा क्वेश्चन है, किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी एकत्र करें जिसने वसुधैव कुटुंबकम कुटुंबकम की भावना पर जोर दिया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना क्या होती है बेटा, आंसर बता पाओगे? वसुधैव यानी पूरी पृथ्वी, वसुधा पृथ्वी का प्रवाची है ना, पूरी पृथ्वी कुटुंबकम यानी परिवार है, यह पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, ऐसी भावना पर जोर देने वाले किसी एक व्यक्ति की जानकारी आपको लिखनी है, व्यक्ति के बारे में लिखना है जिसके जिस व्यक्ति के लिए पूरी पृथ्वी एक
परिवार की तरह है। नाम पता है आपको? कोई नाम याद आ रहा है? बताइए। मैम एक बार क्वेश्चन और बोल दीजिए। हाँ बेटा एक बार क्वेश्चन और बोल दीजिए। भूले की नहीं बैठे हो? क्वेश्चन नंबर 4 कलम की सवारी का, किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी एकत्र करें जिसने वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर जोर दिया है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है, तात्पर्य है कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को परिवार मानने वाला कोई व्यक्ति आपके दिमाग में है, उसका नाम, उसी की जानकारी आपको एकत्र करनी है। समझ में आया? यस मैम। बताइए किसी का नाम याद आ रहा हो तो। यस मैम। दिमाग नहीं आ रहा है किसी का नाम? गांधी जी ने पूरी पृथ्वी को परिवार नहीं माना था बेटा? मैम गांधी जी ने पूरी पृथ्वी को अपना परिवार नहीं माना था? मदर टेरेसा ने नहीं माना? मैम आवाज नहीं आ रही है। मदर टेरेसा ने नहीं माना था पूरी पृथ्वी को परिवार? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्यों बेटा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। महक मेरी आवाज नहीं सुन रही हूँ बेटा? मैम सुन रही हूँ। अंश को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। गुलाम को भी? हाँ बेटा तो बताइए किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में। अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा। हाँ तो इनकी में से किसी एक की जानकारी आपको एकत्र करनी है यहाँ, ठीक है? मैम आने लगी आवाज। हाँ बेटा। मैम आने लगी आवाज। समझ में आया? यस मैम। लिंकन थे, भारतीय नहीं थे लेकिन भारतीयों का ही आप लोग कर देंगे, महात्मा गांधी की कर देंगे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से उत्प्रेरित थे। पांचवा है, इस कविता की प्रासंगिकता पर अपने विचार अभिव्यक्त करें। इसका तात्पर्य है बेटा कि यह कविता जो लिखी गई है इससे आपको अपने विचार, माने कविता क्या वास्तव में जो इसकी भाव है, जो इसके विचार हैं, वह हमारे जीवन के लिए उचित है, सही है, इसी पे आपको अपना विचार प्रस्तुत करना है, ठीक है? कहाँ तक ये कविता सही है, जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए, समाज में एकता स्थापित करने के लिए, है ना? ये कविता कहाँ तक उचित है, उपयुक्त है, सही है, इस पे आप अपने विचार व्यक्त करेंगे। अपने अपने विचार को लिख सकते हो? अपने विचार को आप लिख पाओगे ना कविता के? कविता के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या विचार है, इसी को प्रस्तुत करना है। कविता हमारे वर्तमान जीवन की प्रासंगिकता को के लिए बिल्कुल मतलब उपयुक्त है। कविता में एकता की भावना को दर्शाया गया है, जातिगत भेदभाव से ऊपर उठ के हम मानव धर्म को स्वीकार करें और इन सब भेदभावों को भुलाकर हम एकता के सूत्र में बन के रहे, जो कि आज हमारे समाज के लिए बेहद ही जरूरी है, ठीक है? ऐसे अपने विचारों को आप अपने शब्दों में लिखेंगे। आज बेटा समझ पा रहे हो? यस मैम। तो आपका होमवर्क रहेगा ये तीनों क्वेश्चन,
ठीक है, आज का होमवर्क अभी नहीं मिला है आप लोगों को, इसलिए आपका होमवर्क रहेगा ये। अब आइए पढ़ते पढ़ते देखते हैं, जिन पंक्तियों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पंक्तियां पढ़ लीजिए, दाढ़ी चोटी तिलक सभी थे, तोड़ फोड़ के गड़बड़ कर दी, मिली जुली या मिट्टी फिर से अलग अलग सांचों में भर दे, चाक चलाए नए नए आकार बनाए, दाढ़ी में चोटी लहराए, चोटी में दाढ़ी छुप जाए, किसमें कितना कौन छिपा है कौन बताए। बताए बताए का पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या लिखें। इसमें आपको संदर्भ भी बताना है, प्रसंग बताना है, फिर व्याख्या, तीनों घड़ी लिखनी है। सप्रसंग का मतलब होता है स से संदर्भ, प्र से प्रसंग, ठीक है। स से संदर्भ हो गया, अप्रसंग राइट है। चलिए कितने लोग बताएंगे, हैंड शो कीजिए। बताइए महक। संदर्भ संदर्भ प्रसंग व्याख्या तीनों। प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खेल शीर्षक से अवतरित किया गया है, इसके रचयिता निदा फाजली जी हैं। प्रसंग कविता में कवि ने हमें यह बताया है कि हमें जाति भेदभाव नहीं करना चाहिए तथा हमें एकता में रहना चाहिए। व्याख्या, दाढ़ी चोटी तिलक सभी को तोड़ फोड़ दे और फिर इसे फिर से गूंथ ले, फिर इसे अलग अलग साँचों में भर के इस पर चाक चला दे, नए नए आकार बनाकर। अब बताइए कि दाढ़ी में चोटी है या चोटी में दाढ़ी है, किसमें कौन छुपा है कौन बताए, अर्थात कोई नहीं। अगला आप बताइए बेटा। मैम, दाढ़ी चोटी तिलक, दाढ़ी और चोटी तिलक सभी को तोड़, हम तोड़ फोड़ के उसको गड़, तोड़ फोड़ के ऐसे नहीं बता, बढ़िया से बताओ, इधर उधर कर दे। कभी कहता है कि खिलौनों की सभी टूटे खिलौनों की दाढ़ी चोटी मूछ सभी को तोड़ के फिर उसको गड़बड़ करके यानी सबको महीन करके मिट्टी को एक में मिला दिया जाए और फिर उन मिट्टियों को सब जो है सांचे में ढाला जाए, मिट्टी को गूंथ कर अलग अलग सांचों में ढाल कर जब चाक चलाया जाएगा तो नए नए खिलौने बनेंगे। अब आप सभी क्या उस उन खिलौनों में जिसके पहले चोटी थी अर्थात कौन इसमें ब्राह्मण था, कौन इसमें किसकी दाढ़ी थी अर्थात कौन इसमें मुस्लिम था कौन हिंदू था, क्या आप भेदभाव बता पाएंगे अर्थात नहीं बता पाएंगे। ठीक है। यस मैम। चाक शब्द का क्या अभिप्राय है अंश? यस मैम। चाक शब्द का क्या अभिप्राय है? चाक किसे कहते हैं? हाँ? चाक जो कि जिससे हम जिससे मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। हाँ, बर्तन बनाता है जिसपे कुम्हार अपने बर्तनों को बनाता है। उपयुक्त पंक्तियां किस पाठ से ली गई है और कवि का नाम भी लिखिए। उपयुक्त पंक्तियां पाठ बताइए। बिलाल,
दो पंक्तियां पाठ पांच से ली गई है। बात बात का है जी का नाम बात बात से पाठ का नाम उपयुक्त पंक्तियां पाठ पांच से ले गई है। पाठ का नाम खेल है और इसके रचयिता निदा फारसी फाजली फाजली जी हैं। क्वेश्चनों को आप लोग कर लेंगे बेटा तीनों क्वेश्चन को आज तीनों क्वेश्चन को आज करके आप लोग भेज देंगे ठीक है। पढ़ते पढ़ते वाला मिट्टियों ले 3, 4, 5। अब हमें बातें भाषा की पढ़ना है ठीक है। देखिए इसमें अब तक यानी पिछले चैप्टर में आप लोगों ने संध के बारे में सीखा था संध क्या होती है विग्रह क्या होता है ना उसके बारे में जानकारी एकत्र की थी। अब आपको समास के बारे में पढ़ना है ठीक है। कविता में कवि ने कम शब्दों को मिलाकर बहुत कुछ कहा है। इसी तरह भाषा में भी थोड़े से अधिक कहा जा सकता है इसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे महान है जो आत्मा उसको हम क्या कहते हैं महात्मा। महापुरुष महान है जो पुरुष उसे क्या कहेंगे महापुरुष महापुरुष। इससे देखिए तो कविता में कवि ने कम शब्दों को मिलाकर बहुत कुछ कहा। इसी तरह भाषा में भी थोड़े में अधिक कहा जा सकता है इसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों को के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं ठीक है। छंद समास में अंतर क्या है इसको जान लीजिए। अंतर छंद में दो वर्णों का मेल होता है जब किसके परिणाम स्वरूप वर्णों में परिवर्तन होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है जिसके फलस्वरूप शब्दों में परिवर्तन होता है ठीक है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं समास। समास में दो या दो से अधिक शब्द होने जरूरी है। एक शब्द से कोई भी संद बनेगी तो समास बनेगी उसमें दो शब्द का होना जरूरी होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं समास के भेद ठीक है। समास से कितने भेद हैं अंश मैम। समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास तत्पुरुष समास और कर्मधारित समास और फिर बहुव्रीहि समास और तद्भव समास। चलिए बेटा पहला समास है अव्ययी भाव ठीक है। अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है अव्यय शब्द क्या होता है बेटा कोई बता पाएगा अव्यय शब्द किसे कहते हैं मैम। हाँ बताइए बिजल बेटा मैम। अव्यय समास पहले अव्यय शब्द के बारे में हम जानेंगे तब अव्यय शब्द से ही अव्यय भाव समास बना है। तो पहले हमें जानना है कि अव्यय शब्द है क्या है। महक यस मैम बताइए बेटा। मैम जिसमें बदलाव नहीं होता
जो शब्द लिंग वचन काल और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उन्हें हम अव्यय शब्द या अभिकारी शब्द कहते हैं। आपको शायद पढ़ाया भी गया आगे है ना, उन्हें अव्यय शब्द या अभिकारी शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द लिंग वचन काल और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, और जो नहीं बदलते हैं उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। अभिकारी शब्द को ही अव्यय शब्द भी कहा जाता है। तो जहाँ अभिकारी शब्द से जो समास बनते हैं बेटा, उस समास को हम अव्ययी भाव समास कहते कहते हैं। आई समझ में? यस मैम, यस मैम। तो अव्यय भाव समास में पहले पद में बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे भर पेट, इसमें पहला पद है भर, इस पद को लिंग वचन के आधार पर बदला नहीं जा सकता, कि बदला जा सकता है भर का नहीं हो सकता। जैसे हमने लड़का का लड़की बना दिया लिंग में, और लड़का का लड़के बना दिया वचन में, ना वचन परिवर्तन हो गया। लेकिन जब हम भर पेट कह रहे हैं बेटा, तो भर ये लिंग कोई है ना, वचन इसमें कोई है, ये अव्यय शब्द है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई बदला नहीं जा सकता है। और दूसरे पद के आधार को समझ कर अलग करना है, पेट भरकर, भर पेट, तो क्या पेट सबको हम अलग कर सकते? नहीं कर सकते है ना, पेट चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, पेट पेट ही लिखा जाएगा, तो हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसलिए अव्यय भाव समास है। इस तरह से प्रतिवर्ष, इधर उधर, हर वर्ष, प्रतिमाह, प्रति सप्ताह, प्रतिदिन, यथाशक्ति, ठीक है, रातों रात, ठीक है, ऐसे शब्द हैं जो हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अब आ गया दूसरा तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। समास बेटा, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा, ठीक है। और इसके निर्माण में कारक चिन्ह का लोप होता है। देखिए कारक कितने आपको पता है? नो। हाँ बेटा, कारक के बारे में सिद्धात्री नहीं पता है? मैम नहीं पता है, इसलिए क्लासेस में कारक पढ़ाया नहीं गया था, फिफ्थ में था कारक नहीं आप लोगों के, कर्ता नहीं कर्म को। हाँ बेटा, यस मैम। हाँ तो फिर से इस साल भी चैप्टर में आपके आएगा कारक, ठीक है। तो आप यहाँ कारक का चिन्ह छिपा होता है किस समास में? तत्पुरुष समास में, ठीक है। चाहे कर्ता, चाहे कर्म, चाहे करण, चाहे जो कारक आठ है, आठों कारक में इसका चिन्ह इसमें छिपा होता है। तो पहला हम कर्ता कारक को हटा देते हैं, अंतिम में हम विस्मया बोधक कारक को हटा देते हैं। इसके बाद जो जो छह कारक बचते हैं, उन्हीं छह कारकों का चिन्ह इसमें छिपा होता है। इसका यह देखिए, विग्रह कारक का चिन्ह छिपा होता है। जैसे है राजमहल, अर्थात राजा का महल, राजा का महल। राजपुरुष अर्थात राजा राज का पुरुष।
दही बड़ा, दही का बड़ा, दही में डूबा हुआ दही बड़ा। ऐसे शब्द है जिसमें लिखिए में राजा का पुरुष कहते हैं तो कारक का चिन्ह छिपा हुआ है ना, दही बड़ा दही में डूबा तो में कारक का चिन्ह छिपा हुआ है। लक्ष्मण झूला कहे, लक्ष्मण का झूला, लक्ष्मण का झूला तो इसमें का कारक का चिन्ह छिपा हुआ है। ऐसे ऐसे मतलब छह कारक का चिन्ह इसमें छिपा होता है। अगला है द्विग समास। द्विग समास में पहला पद संख्यावाची होता है, क्या होता है? संख्यावाची। जैसे तीरंगा, ती का मतलब तीर, रंगा मतलब रंगों वाला, रंग है ना। यस मैम। तिराहा, तीन रंगों का, तीन रंग वाला। चौराहा, चार रोड वाला, चार रंगों का समूह, चार वाला, नवरात्र वाला, नवरात्र का समूह, नौ रातों का समूह, त्रिभवन, तीनों भवन, तीन भवन का समूह, तीन लोक का, त्रिलोक, तीन लोक का, तीन लोकों का समूह। हाँ बेटा, ये सब आपका क्या है? द्विग समास है। इसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाची, संख्यावाची, ठीक है। अगला आपका आ गया कर्मधारय समास। तो इसमें बेटा दो पद होते हैं, पहला उपमेय, दूसरा उपमान। उपमेय यानी विशेषण, उपमान यानी विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष, है ना। उपमेय उपमान यानी उपमेय का मतलब विशेषण, उपमान का मतलब विशेष का संबंध होता है। जैसे चंद्रमुख, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, चंद्रमुख मतलब चंद्रमा के जैसे समान मुख, मुख तो मुख विशेष है और चंद्र क्या है? विशेषण। चंद्र मुख उपमेय है और चंद्र क्या है? उपमान। उपमान अर्थात विशेषण, उपमेय अर्थात विशेष, ठीक है। यस मैम। ऐसे अगला है वो है इसमें नीलाकाश, यानी नीला है जो आकाश। चरण कमल, चरण के समान कमल, कमल राजीव नयन यानी कमल जैसे नयन, नयन जैसा बता रहा है शब्दों का ना पहला पद। यस मैम। पहला पद जो है और दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण विशेष दूसरा पद है और पहला पद विशेषण है। अब आ गया आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। जब हमने विग्रह करते हैं तो उसमें विग्रह का मतलब अलग करते हैं, जब और चिन्ह का लोप होता है, और चिन्ह छिपा होता है, हम जैसे कि और चिन्ह को हटाकर हम जब इसका समस्त पद बनाते हैं तो और चिन्ह के और लिखने की वजह जगह पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते, जैसे भाई और बहन, भाई बहन इसमें योजक चिन्ह लगा दिए, दिन रात, रात और दिन न करके हमने मैम सुबह शाम, सुबह शाम योजक चिन्ह लगा दिए, दाल रोटी दाल भात देश विदेश, है ना, जो भी शब्द है और चिन्ह को जब हटाएंगे तो वहाँ और के स्थान पर योजक चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। एंड पेंसिल। इसी तरह पेन पेंसिल भी है। बहुव्रीह समास क्या है? बहुव्रीह, बहुव्रीह इसमें देखिए दोनों पदों में उपमेय उपमान
का संबंध इसमें भी होता है, जैसे कर्मधारय में उपमेय उपमान का संबंध होता है, ऐसे ही सेम टू बहुव्रीहि समास में भी होता है। लेकिन बेटा इसमें दोनों पदों को मिलाते हैं जब हम, तो किसी तीसरे अर्थ की ओर हमें संकेत करता होता है। ठीक है, बिल्कुल कर्मधारय समास जैसा होता है विशेषण और विशेष का संबंध, लेकिन जब हम दोनों पदों को मिलाते हैं, जैसे हम चक्रपाणि यानी चक्र है हाथ में जिसके, ऐसा हमने अर्थ निकाला। तो अगर हमने अर्थ निकाला चक्र है हाथ में जिसके, तो हमारा तीसरा संकेत किसके ऊपर जा रहा है? विष्णु भगवान के ऊपर। विष्णु भगवान के ऊपर संकेत हो रहा है ना, बंसी धारी यानी बंसी को धारण करने वाला, तो कौन है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान बंसी बजाने वाले कृष्ण जी हैं, बंसीधारी ने कहा गोवर्धन धारी है ना। तो ऐसे शब्द हैं जो तीसरे ओर की अर्थ की ओर हमें संकेत कर रहे हैं। ठीक है बेटा। यस मैम। ऐसे ही घनश्याम बादल के समान जो श्याम है अर्थात श्री कृष्ण, लंबोदर लंबा है उधर अर्थात गणेश जी लंबोदर है ना। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो आप तैयार कर लेंगे। तो बेटा आज का सेशन जो है यही समाप्त हो रहा है। आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके भेज देंगे और कल का होमवर्क आपका रहेगा लर्निंग वर्क, आपको इस समास को लर्न करना है। ठीक है, जब हम परसों सेशन में मिलेंगे तो समास के बारे में आपसे पूछेंगे और इसके बाद जो एक क्वेश्चंस हैं इसमें और इसको हम हल कराएंगे। ठीक है, आज आप लोग टाइट करके भेज देना, कल आप समास को फिर से एकदम बढ़िया से तैयार करके पढ़ लेना। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? हाँ बेटा मैम, आप किसी को कुछ पूछना है? मैम ठीक है बेटा, आपका सेशन इंड करते हैं। मैम थ्री वाला, मैम हाँ बेटा थ्री वाला, मैम थ्री वाला, थ्री वाला मतलब मैम क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड भारत में आंदोलन वाला। यस मैम, मैम क्वेश्चन थर्ड भारत में ऐसे तो आपको स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बारे में बताया गया है ना, उसे को आप राइट करें, इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। तो कोई बुक हो उसमें ढूंढो, स्वतंत्रता संग्राम में जो आंदोलन हुए थे गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम के ही तो आंदोलन थे। यस मैम। हाँ गांधी जी के आंदोलन को आप देखोगे उसी में से किसी आंदोलन के बारे में लिख देना। ठीक है, हाँ बेटा सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। मैम गुड बाय।